तो क्या आप भी अपने मोबाइल के किसी भी ऐप या किसी भी गेम को अपने पीसी में रन करना चाहते हैं? तो इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को तो स्किप बिल्कुल भी मत करना और इस वीडियो को पूरा वॉच करना। तो जो फाइल हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे आपको वही फाइल डाउनलोड करना है। अगर आप किसी थर्ड पार्टी से डाउनलोड करिएगा तो वो आप में सक्सेसफुल इंस्टॉल नहीं हो पाता है, तो इसमें हमारे चैनल का कोई फॉल्ट नहीं है। तो आपको सिंपली फिनिक्स ओएस को डाउनलोड करना है और इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। फिर आपको इस पर डबल क्लिक करना है और इसको इंस्टॉल करना है। और यहाँ यस पे आपको क्लिक कर देना है और इसको हम पहले क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आता है, या तो आप ड्राइव में इंस्टॉल करना चाहते हैं और ड्राइव से याद आया कि आप एक अपने कंप्यूटर में नया एक पार्टीशन क्रिएट कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर मैं 7 GB का एक नया ड्राइव को क्रिएट कर लिया है पहले ही, तो हम अपनी ड्राइव में इंस्टॉल करेंगे। तो आप जो ड्राइव नया क्रिएट किए हैं तो सिंपली आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। तो मैंने वहाँ पर जेट ड्राइव एक क्रिएट किया है, हम आपको फिर से यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। और फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। तो गाइस यहाँ पर आपसे साइज पूछा जाएगा, आप जितना ज़्यादा साइज रखिएगा ये इंस्टॉल होने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप पबजी वगैरह खेलते हैं तो आप 16 GB रख सकते हैं, पर हम तो सिर्फ ये वीडियो बनाने के लिए आपको दिखा रहे हैं, तो 4 GB ही हम इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर आपको 5 से 6 मिनट का टाइम लग सकता है, तो हम इस वीडियो को 8x में फास्ट कर दिए हैं। और यहाँ पर रिबूट का ऑप्शन आएगा तो आपको इस पर क्लिक कर देना है रिबूट नाउ पे। तो हम अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ अब चलते हैं क्योंकि अपने पीसी को रीस्टार्ट करना होगा। तो यहाँ पर रिबूट नाउ पे हम क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा सिस्टम है वो रिबूट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे पास ड्राइव पोर्ट नहीं है, इस वजह से ये वीडियो इतना हिल रहा है और वो भी हम रात को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसको इग्नोर करना। अब गाइस देखना यहाँ पर ही बहुत सारे लोगों के एरर आ जाता है जहाँ पर इसके आगे वो प्रोसेस नहीं हो पाता है और यहाँ पर ही वो फेल हो जाता है। तो इसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है। अगर आप किसी और वेबसाइट से डाउनलोड करिएगा तो गाइस ये वाला प्रॉब्लम आएगा। अगर आप हमारे लिंक से डाउनलोड करिएगा तो ये बहुत कम आएगा, 5% लोगों के साथ ऐसा चांस है जो आपने ये एरर आएगा। अगर आपने ये भी प्रॉब्लम आता है तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में आप बोलिएगा, तो हम एक और नया वीडियो इस ऊपर बना देंगे जिससे आपका 100% आप में वर्क करेगा ही। अगर आप मेरा पार्ट 2 वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइए कि अगर आपने इंस्टॉल नहीं हो रहा है तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, हम इसके ऊपर एक नया वीडियो बना देंगे। और गाइस यहाँ पर आप में जो इंस्टॉल हो रहा है इसमें आपको टाइम लगेगा, 8 से 10 मिनट का वक्त लग जाएगा, तो आपको वेट करना है। हम इसको बहुत ज़्यादा फास्ट किए हैं। यहाँ पर हमारा फाइनली फिनिक्स ओएस है वो इंस्टॉल हो गया है। यहाँ पर आपसे लैंग्वेज पूछा जाएगा तो आपको यहाँ पर लैंग्वेज में इंग्लिश चूज करना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको एक्सेप्ट करना है। और आपके पास अगर इंटरनेट है तो आप यहाँ पर साइन इन भी कर सकते हैं, अगर आप में इंटरनेट नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मेरे पास इंटरनेट नहीं है तो हम अभी इसको स्किप कर देंगे। और यहाँ पर आपसे नाम पूछा जाएगा, अपना नाम डालकर फिनिक्स नाउ पे क्लिक कर देंगे तो ऐसा ब्लैक स्क्रीन आपके सामने आएगा और फिर यहाँ पर जो हमारा फिनिक्स ओएस है वो ओपन हो जाएगा। 2 सेकेंड यहाँ पर आपको वेट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ फाइनली जो हमारा फिनिक्स ओएस है वो ओपन हो चुका है। और गाइस इसके अंदर आपको वाईफाई ब्लूटूथ सारा कुछ ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। और गाइस इसके अंदर प्ले स्टोर ऑलरेडी इंस्टॉल मिलेगा और यहाँ पर बहुत सारे ऐप्स हैं जो कि ये फिनिक्स ओएस ऑलरेडी इंस्टॉल आप में देगा। हम आपको यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर जो प्ले स्टोर है ये ऑलरेडी इंस्टॉल मिला है, हम किसी और जगह से इसको इंस्टॉल नहीं किए हैं। तो आप यहाँ से कोई भी गेम को डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आपको एक गेम हेल्प का एक ऑप्शन मिला है यहाँ से आप की मैपिंग कर सकते हैं। और जो ये जो फिनिक्स ओएस है इसका तो भाई की मैपिंग बहुत तगड़ा वाला है, एकदम ज़बरदस्त। और इसमें बहुत सारे ऑप्शन के लिए अलग अलग की अवेलेबल है ऑलरेडी इस फिनिक्स ओएस में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर कैलकुलेटर वगैरह है जो कि ये ऑलरेडी इंस्टॉल देता है। और गाइस इसका जो खासियत ये है कि आप ये जो ओएस है इसके अंदर आप अपने कंप्यूटर के किसी भी ड्राइव को ओपन कर सकते हो, चाहे वो सी ड्राइव हो, ई ड्राइव हो, ऑल टू ऑल ड्राइव को ओपन कर सकते हो। बस यहाँ पर इसका नेम चेंज रहेगा, यहाँ पर लोकल डिस्क 1, 2 ऐसा करके शो करेगा। तो आपको यहाँ पर साइज से आपको पहचान जाना है अपने ड्राइव को, नहीं तो आप ओपन कर भी देख सकते हो और यहाँ से कोई भी फाइल को ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। तो इसके ऊपर हम एक और डिटेल में वीडियो बनाएंगे कि आप इसमें गेम को कैसे रन कर सकते हैं और की मैपिंग सारा कुछ यहाँ पर जो प्ले स्टोर है वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो कोई भी गेम।
तो कमेंट में ज़रूर बोल देना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।